फैमिली पहले कभी आई नहीं है, फर्स्ट टाइम हम घूमने आए हैं पाकिस्तान टूर पर। तो शाह फैसल मस्जिद है, दामन को है, सारी जगह जो जो इस्लामाबाद की हैं, फिर आगे मरी जाना। फैमिली को लेके आने का मकसद यही है कि चलो आउटिंग भी हो जाएगी, घूम फिर लेंगे, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं अपने मुल्क के वो देख लेंगे। हिसाब से मस्जिद की भी एक हिस्ट्री है क्योंकि शाह फैसल ने बनवाई, टीवी में तो देखी नहीं है सबने, लेकिन जो उसकी अपनी बात है तो करीब से देखने की वो अलग बात है। मोबाइल जो कैमरा मोबाइल आया है ना, उसमें काम हमारा बहुत कम पड़ गया। वैसे डिजिटल हर आदमी की नहीं है कि खरीद सके, कास्ट उसकी ज़्यादा है, महंगा है कैमरा। मोबाइल हर आदमी दूसरे के पास है सर, बस ये 15 साल से कर रहे हैं, बस ये कि बस गुजर गुजारा चल रहा है, और कोई काम हम कर नहीं सकते, इतनी हमारे पास गुंजाइश नहीं है। इस काम में इसलिए पड़े हुए हैं और छोड़ते भी इसलिए नहीं कि इतने पैसे नहीं है कि और काम शुरू कर सकें। प्रिंटर रखा हुआ है, 50 रुपये एक तस्वीर के लेते हैं, तस्वीर बना के 2 मिनट में दे देते हैं उसको। ये लाहौर से ज़्यादा लोग हैं, कराची जैसे सिंध में, पंजाब से जब छुट्टियाँ होती हैं ज़्यादा काम होता है, वरना नहीं। जब ये मस्जिद बनी है थी, इसकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा थी, आप देखें आपके सामने ही है, तवज्जो नहीं है इतनी सीढ़ी की। पहले सब कुछ अच्छा आता था, यहाँ पे लाइटिंग होती थी, सब कुछ होता था, लेकिन आप जो रात को आए तो पता नहीं चलता ये फैसल मस्जिद है क्या है, ये दिन को आप जो है वो पता चलता है कि ये फैसल मस्जिद मस्त तवज्जो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है वो काम कोई कराता है नहीं है, तो ज़ाहिर है वो हालात ख़राब ही होंगे। जब आप एक चीज़ का काम करवाएंगे तो वो सही होगी ना। तो इसमें देख लें आप, पेंट भी जो है वो अभी काफ़ी जो है वो इसमें वो हो गया, तो पुराना हो गया है, तो यहाँ पे कौन करवाएगा? तो हमारी हुकूमत जो है वो आपको पता है कि कुछ भी जो है वो करने के काबिल नहीं है। पेंट की तो है ही है, लेकिन लोग भी करते हैं। और दूसरा नंबर ये, पहले ये घरों ये लानों में लोगों को नहीं चलने देते थे, रस्ते थे, अब ये रस्ते ख़त्म हो गए हैं और लोग अंदर चले जाते हैं लानों में। समझाएं तो वो कहता है भाई आपकी ये ड्यूटी नहीं है, जिन लोगों की ड्यूटी है वो हमें कहें तो ठीक है, वरना नहीं। हमारे पास सीडीए ने हमें लाइसेंस दिया हुआ है, हम सीडीए की फ़ीस देते हैं, कोई आम आदमी हमें तंग नहीं कर सकता क्योंकि हमारे पास लाइसेंस है, सीडीए से मंजूर शुदा हम लाइसेंस की फ़ीस देते हैं सीडीए को यहाँ काम करने की, फिर कोई आदमी हमें मना नहीं करता। ऐसे 3-4 साल से जो है यहाँ पर टैक्सी चला रहा हूँ, और पहले से जो है वो काफ़ी हालात बदल गए हैं, यानी कि बेरोज़गारी हो गई है, एहतजाज करके लोग क्या करेंगे। अब आवाम जो है वो हमारी वो आदी हो चुकी है, ठीक है जी, आप जगह जगह पे देख सकते हैं धमाके होते हैं, सारे हालात ख़राब हैं, ठीक है जी। तो वो ये है कि उनको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन होगा, 2 दिन होगा, 3 दिन होगा, उसके बाद सारा जो है वो सिस्टम ठंडा हो जाएगा। तो यह है कि वो हमारी हुकूमत जो है वो आधी हो चुकी है, इसी तरह लोग भी जो हैं वो कहते हैं जी कि इसका कोई फ़ायदा नहीं। Mm-hmm.